साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT की पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 विषय हिंदी के चैप्टर संख्या 13 स्वामी जी की दादी, जो पाठ्यपुस्तक में प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, कहानी से प्रश्न है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। तो आंसर लिखेंगे, दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। अगला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। तो आंसर लिखेंगे, मेडल से चूड़ियाँ लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को MA करने पर मिला था, वह उनकी सफलता की निशानी थी, बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उसने चूड़ियाँ बनवा ली। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है, किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, स्वामी एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश हैं और दादी से बहुत प्यार करता है, वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बड़ा चढ़ा कर बताता है लेकिन दादी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा आता है, वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता, दादी सादा जीवन जीती हैं, वह अक्सर अपने पोते की बीते दिनों की याद में चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी समझ से प्रश्न है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी के राय से सहमत हो, अपने उत्तर के कारण लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, हाँ हम भी स्वामी की राय से सहमत हैं क्योंकि राजम पुलिस अधीक्षक का बेटा था, उसके पास पुलिस की वर्दी थी, वह पढ़ने के में होशियार था, स्वामी के अनुसार उसने शेर को भी मारा था इसलिए स्वामी उसे ऊंची चीज मानता था। अगला प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्य में लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था, स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, साथ ही अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। कहानी हो तुम प्रश्न है, का स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, किसी व्यक्ति को किन बातों से पता चलता है। तो आंसर लिखेंगे, किसी व्यक्ति का रोब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति हैं, शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। आंसर लिखेंगे, हमारे घर के पास एक रोबदार अंकल हैं, वह पुलिस में हैं, उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत हैं, उनकी आवाज़ बुलंद है। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था, तुम कब से दूर असुरक्षित महसूस करते हो। आंसर लिखेंगे, जब हम अकेले होते हैं या माता पिता से दूर होते हैं तब हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, तुम इस हालत में कैसा महसूस करती हो दोस्त के घर में जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। तो आंसर लिखेंगे, दोस्त के घर में हम बहुत खुश महसूस करते हैं, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं, जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है। अब अगला प्रश्न, पता करो सब मजिस्ट्रेट कौन होता है, क्या वह पुलिस विभाग में होता है। तो आंसर लिखेंगे, सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है, वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है, थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं, नीचे दी गई तालिका में इकट्ठे की गई जानकारी दर्ज करो। तो ये छात्रों आप स्वयं ही करना होगा और अपने इलाके की सूचना इकट्ठी करनी होगी। अगला है, दादी का बक्सा प्रश्न है, दादी अपने बक्से में इलायची लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी। तो आंसर लिखेंगे, दादी अपने बक्से में इलायची लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होगी। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में इसका कोई इस्तेमाल होता है और किन किन तरह से होता है। तो आंसर लिखेंगे, हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है, हमारे घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल चाय हलवा पुलाव पान और खीर जैसी चीज़ों को बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है। तो आंसर लिखेंगे, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे और लोहे का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं। आंसर लिखेंगे, सिक्के तांबे सोने चांदी लोहे पीतल गिल्ट आदि धातुओं द्वारा बने होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों की ताकत
नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें प्रयोग करके इस प्रकार लिखना है। तुम उल जुलूल मत बोलो, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अगला है रूखा स्वर मिठास, तो आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मिठास से भरपूर भोजन मिलेगा। तीसरा है खूंखार डाकू समर्थन, तो फूलन देवी एक खूंखार डाकू थी, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ। अगला है नीचे कहानी में कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे खींची हैं उनका लिंग पहचानो और लिखो। वर्दी क्या है, स्त्रीलिंग है। दफ्तर पुलिंग है, सिक्का पुलिंग है, हिस्सा पुलिंग है, महामूर्ख पुलिंग है। तो साथियों इस प्रकार ये आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक exammodelpaper.in का दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।